गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, चैप्टर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी बोला जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के चांसेस बहुत लेस होंगे। ठीक है, आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक टर्म है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स। सो ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स एंड वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो करेक्टर्स मीन्स जो ट्रेड्स पास आउट हो रहे हैं, क्या क्या वेरिएशन आ रही है, ये सब किस ब्रांच के अंडर स्टडी किया जा रहा है? जेनेटिक्स के अंडर स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये क्या है? जेनेटिक्स के अंडर ही है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपना वर्क किया था। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये वर्क सारा डिस्कस करेंगे। और उन्होंने ये बताया कि कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डीएनए। डीएनए क्या है? सबसे पहले फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए डीएनए की। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म रहेंगे। सो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो उसको समझा जा रहा है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? जो पास करेगा कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, मीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक जो सारे कैरेक्टर जा रहे हैं वो कौन पास आउट कर रहे हैं? डीएनए ही पास आउट कर रहे हैं। जो न्यूक्लियस है सेल के इनसाइड क्या होती है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किस किस से मिलके बना हुआ? डीएनए से प्लस प्रोटीन से। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, तो आप इतना याद रिमेम्बर रखें, डीएनए प्लस में प्रोटीन से मिलकर बना होगा क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, अब जब कोई सेल डिवाइड कर रही है उस टाइम पे क्या होता है? देखिए, ये है सेल। सेल के सेंटर में होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोल दिया है? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल। क्या है ये? क्रोमेटिन मटेरियल, एन है ये। क्रोमेटिन मटेरियल क्या करेगा? जब कोई सेल डिवाइड कर रही है, मतलब ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, बहुत ज्यादा एंटेंगल्ड मास था, बहुत उलझा हुआ सा था स्ट्रक्चर, वो प्रॉपर रोड शेप स्ट्रक्चर ले लेगा। ठीक है, और उस रोड शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोल देंगे? क्रोमोसोम बोल देंगे। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किससे मिलके बना हुआ था? डीएनए प्लस में प्रोटीन। अब सिर्फ शेप ही चेंज हुई है ना, तो क्रोमेटिन से क्या बन गया? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम भी किससे मिलके बने हुए? डीएनए प्लस में प्रोटीन। तो यहां पे डीएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। सो क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसके अंदर दो स्ट्रैंड होंगे। कैसे? देखिए, ये है डीएनए की स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिकल बोल रहे हैं। हेलिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कॉइल्ड सी स्ट्रक्चर, एक दूसरे के अराउंड अराउंड रैपिंग सी हो गई है, और दो स्ट्रैंड है, इसीलिए क्या बोला गया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए कैसी स्ट्रक्चर है? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है सारे की सारे इंफॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन अबाउट करेक्टर्स, किसी एक ऑर्गेनिज्म के जितने करेक्टर्स हैं, मान लो उसकी आईज का कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स हैं, ये सारे कौन स्टोर करके रख रहे हैं? डीएनए। तो डीएनए के पास हमारी बॉडी की जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी। डीएनए की एक एबिलिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है टू रेप्लीकेट।
ठीक है, डीएनए कैन रेप्लीकेट। अब रेप्लीकेट करने का मतलब क्या होता है, ये जो रेप्लिका वर्ड है इसका मतलब होता है कॉपी। डीएनए अपनी कॉपीज बना सकता है, ठीक है। तो रेप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है, टू फॉर्म कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। और डीएनए के पास ये प्रॉपर्टी है, जब नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए को पास आउट करना है उससे पहले क्या होगा, डीएनए की कॉपीज बनती हैं और वो कॉपीज भी क्या होंगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट की जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट जीन। ये नई टर्म आपके लिए, इसको ध्यान से सुनेंगे। जीन्स क्या होती है, जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या, हेरिडिटी का मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये जो जीन्स हैं, ये ही हेरिडिटी की प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो करेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, जीन्स की हेल्प से ही हो गए। अब जीन्स क्या होती हैं, यूनिट्स हैं हेरिडिटी की। मेंडल है जो फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने क्या कहा था, जीन्स को फैक्टर का नाम दिया था। एवरी क्रोमोजोम, जो कोई भी क्रोमोजोम है, हैज स्मॉल सेक्शंस। क्रोमोजोम के पास स्मॉल से सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। सो वी कैन से डेट जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब क्रोमोजोम किससे मिलके बने हैं, डीएनए से मिलके बने हुए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो डीएनए के ही सेगमेंट हैं। देखिए, ये हमारे पास एक क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर है। इस क्रोमोजोम के पास ये कुछ सेगमेंट्स से दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सेक्शंस हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, जीन्स बोल रहे हैं। और एक कोई जीन है वो एक कोई पर्टिकुलर करेक्टर को ही डिटरमाइन करेगी। सेम ऐसे ये डीएनए में मान लीजिए ये प्रॉपर कोई सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को ही हम क्या बोल देंगे, जीन्स बोल देंगे। तो जीन्स क्या होती है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए है, जो क्या करेंगी, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स में हेल्प करेंगी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जीन्स है जो वो ऑलवेज पेयर में वर्क करेंगी, कभी भी एक सिंगल जीन काम नहीं कर रही, वो ऑलवेज पेयर में वर्क करे। मान लीजिए हमारे पास हाइट का करेक्टर है, तो हाइट के करेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो जीन्स होंगी। जीन्स हमेशा पेयर में ही वर्क करती हैं। टोटल माल ह्यूमन बींग्स के पास कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं ना, ठीक है। तो टोटल कितने, 46 क्रोमोजोम है, ठीक है। तो 23 पेयर है, ठीक है। तो एक क्रोमोजोम ये मान लीजिए और एक क्रोमोजोम ये क्रोमोजोम ए, ये क्रोमोजोम बी, ठीक है। अब हाइट की एक जीन यहाँ प्रेजेंट है और हाइट की एक जीन यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक जीन हाइट की मान लो कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, जीन्स को हम सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हाइट की बात करें ना, तो हाइट के लिए जीन्स को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। कैपिटल टी है जो वो बताएगा टोनलेस के बारे में। कैपिटल टी सिंबल है जीन का, जो क्या बता रहा है, टोनलेस के बारे में बता रहा है। स्मॉल टी जो सिंबल है वो किसके बारे में बता रहा है, ड्वार्फनेस के बारे में बता रहा है। ड्वार्फनेस का मतलब क्या है, स्मॉल हाइट, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये दो जीन्स हैं। और जीन्स जब काम करेंगी, एक करेक्टर बन रहा है तो वो कैसे कर रही है, पेयर में वर्क करिए, तो पेयर तो ये बनेगा। और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आए तो एक करेक्टर बना, हाइट का करेक्टर बना, और हाइट का करेक्टर यहाँ पे क्या आया, टोलनेस, क्या आया, टोलनेस, ठीक है। अब सिर्फ टोलनेस क्यों लिख रहे हैं, स्मॉल टी भी है यहाँ पे, तो क्योंकि जहाँ कहीं पे भी कैपिटल टी आ गया वहाँ पे हम टोलनेस ही लिखेंगे। ये सब आप नेक्स्ट वीडियोज में जब चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे तब समझ पाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जीन्स हैं जो वो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और एक कोई करेक्टर डिटरमाइन कर रही है, फॉर एग्जांपल हम हाइट का करेक्टर लेके चल रहे हैं। जीन्स हमेशा पेयर में वर्क करेंगी, तो ये पेयर बना और एक करेक्टर बन गया हमारे पास हाइट का, टोनलेस, ठीक है। तो सेम ऐसे ये कैपिटल टी रहा तो टोल होगा ऑर्गेनिज्म, कैपिटल टी स्मॉल टी है तभी भी ऑर्गेनिज्म टोल हाइट का होगा, और स्मॉल टी है तब ऑर्गेनिज्म की हाइट क्या होगी, ड्वार्फ होगी। तो ये करेक्टर्स हैं। सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।